अपने व्यवसायियों से मैं खास कर चाहती हूँ कि दो बात कहूँ, आप दलित मत घबराइएगा, क्योंकि आपको जो डराया जाता है, धमकाया जाता है, संदेश दिया जाता है कि आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप शाम तक दुकान लौड़ी नहीं चला सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, तनिक भी आप पर घबराइए, आप चाहे 9 से 10 बजे रात तक दुकान खुली रखेंगे, आपकी बहन आपके साथ रहेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और ये राजेंद्र स्टेडियम उन्हीं के नामों पर बना है। मैं इसे नम करती हूँ, कुछ पूजती हूँ, कुछ जिन्हें है मेरे लिए। ये सिवान के, हमारे सिवान के जितने भी जनता जनार्दन हैं, सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे लिए ये मार्गदर्शक हैं। मैं इनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। सभी हमारे आए हुए बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी, युवा, नौजवान और हमारे व्यवसायी भाइयों, हमारे किसान भाइयों, हमारे अति पिछड़ा के भाइयों, हमारे SC ST के भाइयों, हमारे सभी समुदाय के भाइयों और माता बहने बच्चिया, मंच पे बैठे हुए सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के नेतागण, जो और भी जिलों के ऐसे विधायक आए हुए हैं, पूर्व विधायक, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आदाब प्रणाम करती हूँ। आप सब बहुत लंबे इंतजार से बैठे हुए हैं, हमारे गेस्ट के इंतजार में वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपकी सिवान जिला की बेटी, सिवान जिला की युवाओं की बहन, सिवान जिला की बहू आपके सामने है, आपसे सहयोग मांग रही है, आपसे सेवा का मौका मांग रही है। आप 12 मई को EVM के बटन दबाकर लाख के उनके सामने मुझे सहयोग देने की कोशिश करें। आपके सेवा में मैं आज तक थी, आपके दुख सुख की सहयोगी थी, मगर मैं चाहती हूँ कि आप हमें ताकत दें ताकि मैं आपके दुखों को दूर कर सकूं, आपके हक हकूक को आपके तक पहुंचा सकूं, संविधान बचा सकूं, देश बचा सकूं, आपके आरक्षण को बचा सकूं। आप अगर हमें आवाज देंगे तो मैं पूरी ईमानदारी से सिवान जिला की बेटी बहन बहू बनकर ये आवाज दिल्ली तक ले जाऊंगी और जरूर हक लाऊंगी वहां से मैं, और अपने व्यवसायियों से मैं खास कर चाहती हूँ कि दो बात कहूँ, आप दलित मत घबराइएगा, क्योंकि आपको जो डराया जाता है, धमकाया जाता है, संदेश दिया जाता है कि आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप शाम तक दुकान लौड़ी नहीं चला सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, तनिक भी आप पर घबराइए, आप चाहे 9 से 10 बजे रात तक दुकान खुली रखेंगे, आपकी बहन आपके साथ रहेगी। उन्नत करें और हमारे युवा
के एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। आप कभी मत घबराइएगा, हमारे शहर के सिवान जिला में जो बेरोजगारी है, जो युवाओं की परेशानी है, हमारी बच्चियों की मान सम्मान की बात है, आपकी मान सम्मान हमारी मान सम्मान होगी, इसलिए आपके सेवा के लिए मैं घर से निकली हूँ संकल्प लेकर अपने जिला को विकास की गंगा को बहाऊंगी और किसी ऐसे मनवादी तत्व के हाथों में सिवान को नहीं जाने दूंगी। मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपकी दुख और सुख में सहभागी रहूंगी। आज हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। आज एनडीए का जो सरकार है बहुत खुशी मनाता होगा कि हमारे हजारों लाखों शिक्षकों के पेट पर लात मारा और उन्हें सामान्य वेतन से वंचित कर दिया, उन्हें सामान्य वेतन सामान्य रूप से जो वो हमारे बच्चों के रावण है शिक्षक है उन्हें जो पाठशाला का पठन शिक्षा देते हैं, आज उनके मान सम्मान की बात पर मैं आप लोगों के साथ हूँ। ऐ हमारे भाइयों शिक्षकों, ऐ हमारी बहनों, आपकी बहन आपके साथ है। आने वाले दिन में महागठबंधन की सरकार होगी तो मैं आपके मान को दिल्ली तक ले जाऊंगी और अपने जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे महागठबंधन के, मैं उनके सामने ये मांग रखूंगी कि हमारे शिक्षकों को समान वेतन समान हिस्सेदारी दी जाए। हमारी सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता ममता कार्यकर्ता रसोईया उनके भी मान सम्मान के लिए मैं आवाज उठाऊंगी। उनकी जो मान सम्मान है जब वो अपने मान को लेकर अपने मुख्यमंत्री के दरबार में जाती है राजधानी पटना में तो उनके ऊपर प्रशासन के जरिए लाठियां बरसाई जाती है। ये आप न भूलिए और न भूलनी चाहिए। आप गरीब न घबराए और किसी के धमकी में न आए क्योंकि अब आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए आपकी बहन आपकी बेटी हाजिर रहेगी, आपके मान सम्मान की लड़ाई आगे ले जाएगी। आप घबराए नहीं, सिवान जिला के सभी हमारे जिला के परिवारवासी आप सब जागरूक हो इन बारूदियों से ईवीएम की सुरक्षा की बारी आई है। मैं चाहती हूँ कि उस सुरक्षा में और वोट गिरवाने में कहीं भी आप चूके नहीं, बहुत संयम तरीके से बूथ पर जाकर अपने वोट को देंगे और सभी माता बहनों से बुजुर्गों को भी दिलवाएंगे, यही मेरा आग्रह है। अब आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए और अपने अपने बूथ को सभी से अच्छे से सुरक्षित से वोट दिलवाए और हमें सेवा का मौका दे। बहुत सारी बातें फिर हम लोग मिलेंगे कहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ और आप लोग मेरे साथ नारा लगाइए, जय जवान जय किसान जय संविधान सिवान जिला जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भारत। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम।